हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ छाया और मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम 10 मिनट में बनने वाली सबसे आसान मिठाई केसर पिस्ता रोल बनाएंगे। तो चलिए इस मिठाई को बनाना शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले हम आधा कप या 120 ml दूध लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे कुछ केसर के धागे, साथ में डालेंगे 1/4 teaspoon केसर एसेंस। अब हम इसे एक बार मिक्स कर देंगे। अगर आपके पास केसर और एसेंस दोनों नहीं है तो आप इसमें केवल 1/2 teaspoon इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। और अब हम इसे अलग रखेंगे। अब हम पेन में 1/4 cup या 60 ml घी डालेंगे। पेन को अभी हमने गैस पर नहीं रखा है। पहले हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 cup शुगर पाउडर। दोनों को एक बार मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे केसर वाला दूध और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 2 cup मिल्क पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। आप सभी चीज़ों को एक साथ डालकर भी मिक्स कर सकते हैं। इस प्रोसेस में केवल हमें 2 से 3 मिनट का ही टाइम लगता है। तो सभी को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसे गैस पर रखेंगे। गैस की फ्लेम को हम लो टू मीडियम रखेंगे और इसे 3 से 4 मिनट लगातार चलाते हुए कुक करेंगे। इसे हमें ज़्यादा देर बिल्कुल भी नहीं पकाना है क्योंकि हमने इसमें दूध ज़्यादा नहीं डाला है। 3 से 4 मिनट ही हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे कुक करना है। तो 3 से 4 मिनट बाद अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और अब हम इसे हल्का सा ठंडा करेंगे। हमें इसे इतना ही ठंडा करना है कि हम इसे हाथों से छू सकें। हल्का सा ठंडा होने के बाद अब हम इसे हाथों से मसलते हुए थोड़ा चिकना कर लेंगे और अब हम इसका थोड़ा पोर्शन अलग निकालेंगे और थोड़े थोड़े पोर्शन को लेते हुए हम रोल बनाएंगे। रोल को हमें ज़्यादा मोटा नहीं रखना है। रोल को काटने से पहले थोड़ी पिस्ता की कतरन और ड्राई रोज पेटल्स को डालकर रोल को 2 से 3 बार इस पर फिर से रोल करेंगे ताकि रोल पर ही अच्छे से चिपक जाए। तो अब हम रोल को कट करेंगे। ये मिठाई तुरंत बनकर तैयार हो जाती है। इसे सेट करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। रोल का साइज़ बड़ा या छोटा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। काटने के बाद हाथों से रोल को अच्छे से शेप दे देंगे। ये मिल्क पाउडर से बनने वाली सबसे आसान मिठाई है। इसे सेट होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। इसी प्रकार से हम सारे रोल बनाकर तैयार कर लेंगे। मिठाई का मिश्रण अगर ठंडा हो जाता है तो आप इसे 1 मिनट और पैन में डालकर गरम कर लें क्योंकि ठंडे होने के बाद रोल अच्छे से नहीं बनेंगे। सारे रोल हमने बना लिए हैं। बहुत ही डिलीशियस से रोल बनकर तैयार होते हैं। कोई भी त्यौहार पर आप आसानी से इसे 10 मिनट में बना सकते हैं। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।